अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू डिन स्टोरीज चैनल। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाकर तमाम वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। आए सुनते हैं एक बंगाली फितना अंगेज साहिरा की पुरिसरार दास्तान, नावल झरना। नेक्स्ट एपिसोड। शामू ने मुझे इस लड़की के बारे में बताया था कि ये आवारा, बदचलन और बदकार है, लेकिन मेरा दिल इस बात को किसी तौर मानने के लिए तैयार ना था। ये लड़की हरगिज ऐसी नहीं हो सकती थी, ना ही इर्शासीन की दुश्मन। लड़की ने सोते सोते कुसमसा कर करवट बदली। वो काले रंग की नाइटी में मलबूस थी, जिसमें से उसका जिस्म यूं छलक रहा था जैसे कांच की सुराही में से शराब छलकती है। मेरे जिस्म में खून की गर्दिश तेज हो गई। कोई भी मर्द इस लड़की के भरपूर बदन को देख कर अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकता था। मैंने उसकी बेहुरमती का ख्याल दिल से निकाल दिया। उसे कत्ल करना जरूरी था, ना करता तो मैं खुद मौत की नींद सुला दिया जाता। फिर मेरा हाथ जिसमें खंजर तड़प रहा था वो फिजा में बुलंद हो गया। अचानक ही मैंने अपनी पुश्त पर आहट सी महसूस की। इससे पहले कि मैं पलट कर कोई वार करता, किसी ने बिजली की सी तेजी से मेरा खंजर वाला हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मैंने पूरी कुव्वत से मजाहमत करते हुए पलट कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। शामू, तुम? बेसाख्ता मेरी जुबान से निकला और मैं भोंचका सा होकर रह गया। शामू ने अपने होंठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया। बस चुपचाप निकले चलें यहाँ से, शामू ने सरगोशी में बहुत सी आहिस्ता आवाज में कहा। उस लम्हे मैंने देखा उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। शामू, मैंने कहा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम उसका सच जवाब दोगे? क्यों नहीं, उसने अफसुर्दगी से सर हिलाया। आप जो कुछ पूछना चाहें पूछें, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। मुझसे चुंके रहा ना गया, इसलिए मैंने झिझकते हुए पूछा, शामू, तुमने उस लड़की की जान किस लिए बचाई? वो तो बॉस की दुश्मन है। शामू चलते चलते यकलख्त रुक गया और उसने मेरी आंखों में झांकते हुए बड़ी अफसुर्दगी से कहा, मैं भी इतनी ही उम्र की बेटी का बाप हूँ। मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे मेरी बेटी इसमें सहरी में सो रही है। तुम एक जवान बेटी के बाप हो, मैंने उसके अफसुर्दा चेहरे पर निगाहें मरकूज करके पूछा। हाँ, उसने सर हिलाया, मेरी एक ही बेटी है और वो मेरी इकलौती औलाद है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं दिल में खुश हो रहा था कि एक संगीन जुर्म के इर्तकाब से मैं बच गया। जाहिर है कि अब इर्शासीन मुझे कोई सजा नहीं दे सकती, क्योंकि इस लड़की को कत्ल करने से रोकने की सारी जिम्मेदारी शामू पर आ गई थी। आप इस बात की कोई चिंता ना करें, मैं बॉस को समझा दूंगा, उसने मुझे दिलासा दिया। लेकिन आप ये बताएं कि आपने इस लड़की को आलूदा क्यों नहीं किया? वो ऐसी हसीन और बेइंतहा पुरकशिश थी, उसका उबलता शिबाब और जिस्म के नशेबो फराज पागल कर देने वाले थे। जाने क्यों वो लड़की मुझे इस कदर मासूम और पाक लगी कि मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं साफ और शफाफ आईने पर कोई खराश डाल दूं, उसका वजूद और अपना वजूद भी मैला कर लूं। तुम्हारी जिंदगी में क्या कभी कोई औरत नहीं आई? तुमने कभी किसी लड़की को आलूदा क्यों नहीं किया? शामू ने पूछा। मैंने एक पल के लिए दिल में सोचा कि उसे किरण के बारे में बता दूं, कि किरण खुद ही मेरी झोली में आ गिरी थी। बंगले पर पहुंचकर शामू इर्शासीन के कमरे में चला गया और मैं अपने कमरे में आकर डरा और सहमा सा बैठा रहा। तलबी का एक धड़का सा लगा हुआ था। उसने अंदर जाकर इर्शासीन से ना जाने क्या कुछ कहा कि मेरी तलबी नहीं हुई और ना मुझ पर कोई अताब नाजिल हुआ। वो खासी देर तक उसके कमरे में रहा। इर्शासीन ने उस पर जैसे सवालात की बुछाड़ कर दी होगी या वजाहत से दरियाफ्त किया होगा। उसने किस तरह इर्शासीन की तसल्ली की, क्या कहा, ये इसने मुझे नहीं बताया और ना ही मैंने पूछने की जरूरत महसूस की, ना ही उसकी जरूरत थी, क्योंकि सांप भी मर गया था और लाठी भी नहीं टूटी। मैं गहरी नींद सो गया। बहुत देर तक सोता रहता अगर इर्शासीन मुझे आकर ना जगाती। वो शामू से कहकर भी जगा सकती थी, लेकिन उसका आकर जगाना मेरे लिए खौफ और परेशानी का सबब बन गया। दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। मैं ये समझा कि वो शामू की बातों की तस्दीक करने के लिए आई है। मेरी पेशानी अर्क आलूद हो गई। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। मैं सिर्फ इतना ही कह सका, आप, लगता है कि रात आप बहुत देर से सोए। इर्शासीन ने मेरे चेहरे की तरफ देखा। जल्दी से तैयार होकर नाश्ते की मेज पर आ जाओ, वो इतना कहकर चली गई, लेकिन अपनी महक छोड़कर चली गई। मैंने लम्हे के लिए दिल में सोचा कि काश ये औरत सफाक, बेरहम और हसीन बला ना होती, माफिया ना होती, कितना अच्छा होता। इसे शायद कोई राजकुमार अपनी महारानी बना लेता। जब मैं तैयार होकर नाश्ते की मेज पर पहुंचा तो वो मेरा इंतजार कर रही थी। इस वक्त वो सफेद बराक साड़ी और ब्लाउज में थी। उसके लंबे लंबे बाल शाने पर बिखरे हुए थे। उसका ये दिलकश रूप बड़ा अनोखा था। मैं नाश्ते के दौरान उसे मुख्तलिफ हिले बहानों से देखता रहा।
नाश्ते से फरागत पाने के बाद वो बोली, आज तुम शामों के साथ जाकर चिटागांग शहर की सैर कर आओ, शाम तक लौट आना। जाने क्यों मुझे ये बहुत पुरिसरार सा मालूम हुआ, वो इस बहाने मुझे भेजकर शायद अपने ग्रोह के आदमियों को किसी सिलसिले में मीटिंग के लिए बुला रही है। मैं शामों के साथ निकल गया। उसने एक टैक्सी कर ली थी जिसमें हम दोपहर तक शहर और इसके बाजारों में घूमते रहे। दोपहर के वक्त एक होटल में खाना खाया और फिर पहला फिल्म शो सात भाई का देखा। वापिस पहुंचे तो दिन डूब चुका था। रात के खाने से फरागत के बाद हम तीनों बंगले के बाहर कुछ देर चहलकदमी करते रहे। इर्शासीन ने दिन भर की तफरीह के बारे में दरियाफ्त की। फिर इर्शासीन अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। मैं और शामू कुछ देर चबूतरे पर बैठे रहे। मुझे शामू पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैंने सैर व तफरी के दौरान उससे गैर महसूस अंदाज से कई बार इर्शासीन के बारे में कुरेदने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना कायापन दिखाया। वो बहरा गूंगा सा बना रहा जबकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत घुल मिल गए थे। मैंने उससे अचानक धत्तों के बारे में पूछा, क्या वो पेशावर कातिल था? हाँ, शामू ने सर हिलाया। इन पेशावर कातिलों का कोई धर्म नहीं होता, सिर्फ पैसा धर्म होता है। लेकिन तुम्हें उसका ख्याल क्यों आ रहा है? इसलिए कि उसके दिल में बिल्कुल भी रहम नहीं था। बॉस एक औरत है, वो उनका सर काट कर ले जाने आया था। क्या वो ऐसा करता? हाँ, शामू कहने लगा, अगर मैं उसे कत्ल नहीं करता तो वो हम तीनों को कत्ल कर देता। इतना कहकर एकदम से शामू खड़ा हो गया। कहीं मैं इससे मजीद सवालात ना करना शुरू कर दूं। वो समझ गया था कि मैं इससे ये मालूम करना चाहता हूँ कि वो किस इमा पर किस लिए इर्शासीन को कत्ल करने आया था। आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी इर्शासीन के दुश्मन को इर्शासीन से। मुझे नींद आ रही है और मैं सोने जा रहा हूँ। शामू ने एक लंबी जमाई ली। दिन भर घूमने से मैं बहुत थक गया हूँ। शामू इतना कहकर अंदर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ गया, लेकिन मैं चबूतरे पर बैठा रहा। नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैंने निशेप की तरफ देखा, उसके दामन में बहुत सारी झोंपड़ियां और कच्चे पक्के मकान बने हुए थे। इस आबादी से कदरे हटकर एक होटल था। उस वक्त चाय पीने की ख्वाहिश भी हो रही थी। मैंने सोचा इस होटल से चाय पीकर आऊं तो तलब भी पूरी हो जाएगी। मैंने गेट बंद किया और इस होटल की तरफ चल दिया। वो होटल खुला हुआ था, उसमें दो एक गाहक बैठे चाय पी रहे थे। इसने रेडियो सैलून का स्टेशन लगा रखा था जिसमें से हिंदुस्तानी फिल्मी नगमे नशर हो रहे थे। मैं कोई 20 मिनट बैठा और चाय पीते हुए फिल्मी नगमे सुनता रहा। मैंने 3 कप चाय पी। इस होटल की चाय बहुत उम्दा थी। जब देखा रात के 11 बज रहे हैं, होटल से निकल गया। फिर मैंने वापस बंगले में दाखिल होकर गेट बंद किया और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। चंद कदम चलकर ठठक कर रुक गया। इर्शासीन की खाबगाह की खिड़की खुली हुई थी। खिड़की के पास ही उसका पलंग था जिसके बिस्तर पर वो गहरी नींद सो रही थी। मैं बहुत देर तक उसे देखता रहा, लेकिन इस खौफ से अपने कमरे में चला आया कि कहीं शामू ना आ जाए और वो जाग ना जाए। मेरी चोरी पकड़ी गई तो ना जाने मेरा क्या हशर किया जाए, क्या सजा दी जाए। लेकिन मैं बिस्तर पर दराज होकर इसका तसव्वुर कर ही रहा था और फिर मुझे अचानक नींद आ गई। दूसरे दिन नाश्ते से फरागत पाने के बाद इर्शासीन ने एक मोहर बंद लिफाफा मेरे हवाले किया। मैंने वो लिफाफा लेकर इर्शासीन की तरफ सवालिया नजरों से देखा। मैं इस लिफाफे का क्या करूं? क्या ये किसी को पहुंचाना है? जानते हो इस लिफाफे में कौन सा राज है? उसकी तेज नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज हो गईं। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं कैसे बता सकता हूँ? मैंने ला इल्मी का इजहार किया और अपने कांधे से उचका कर रह गया। इस लिफाफे में इस मुल्क के सदर का तख्ता उलटकर उसे कत्ल कर देने का मंसूबा मौजूद है, उसने बताया। मेरे सारे बदन में सनसनी भर गई। मैंने पूछा, क्या मैं इस मंसूबे को पढ़कर उन्हें कोई राय दे दूं? नहीं नहीं, ये लिफाफा जगदेश नामी एक शख्स तक बड़ी राजदारी और एहतियात से पहुंचाना है, वो बोली। जो हुक्म? मैंने सर हिलाया। इसके अलावा मेरे लिए क्या हुक्म है? ये जगदेश साहब कौन है जिन्हें ये लिफाफा पहुँचाना है? मैंने कहा, मैं तो उन्हें जानता भी नहीं हूँ, वो कहाँ मिलेंगे? जगदीश अपना ही आदमी, इर्शासीन ने कदरे तसल्ली से कहा। वो पद्मा नामी एक लॉन्च में तन्हा तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। अगर जगदीश की जगह कोई और आदमी मिले तो फौरन ही लिफाफा चाक करके पानी में बहा देना। अगर तुम किसी वजह से दुश्मन के हाथ लग जाओ और वो तुमसे पूछ गिछ करें तो अपना मुंह बंद रखना। अगर तुमने जुबान खोली तो फिर हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मैंने इस बात में आहिस्ता से गर्दन हिला दी। आप बेफिक्र रहें, मैं आपकी हिदायत का हर तरह से ख्याल रखूंगा। फिर इर्शासीन ने मुझे जगदीश की तस्वीर दिखाई। वो एक देवकामत और बदसूरत शक्ल का आदमी था। उसकी शनाख्त मेरे लिए क्या किसी भी शख्स के लिए मुश्किल ना थी। उसकी तस्वीर एक बार देख लेने के बाद उसे न सिर्फ हजारों में
बल्कि बरसों के बाद शनाख्त किया जा सकता था। जब मैंने उसकी सूरत अच्छी तरह जहन नशीन कर ली तो इरशासीन ने मुझसे उसकी तस्वीर लेकर अपने पर्स में रख ली। शामो मुझे अपने हमरा लेकर टर्मिनल पर पहुंचा। उसने वहां से इशारा करके पद्मा लॉन्च मंगवाई जो एक फरलांग दूर पानी की सतह पर डोल रही थी। इस लॉन्च तक सफर करने के लिए कश्ती पे सफर करना था। शामो ने एक कश्ती किराए पर हासिल की और मुझे उसमें सवार कर दिया और खुद टर्मिनल पर खड़ा रहा। जब कश्ती लॉन्च के करीब पहुंची तो मैं कश्ती वाले की मदद से लॉन्च के अर्शे पर चढ़ गया। मैंने चारों तरफ निगाह दौड़ाई मगर अर्शे पर कोई नजर नहीं आया। वो वीरान और सुनसान पड़ा था। जब मुझे लाने वाली कश्ती दूर निकल गई तो फिर मैंने आवाज लगाई, जगदीश साहब, जगदीश साहब, आप कहाँ हैं? ऊपर तशरीफ लाएं, मैं आपके लिए इरशासीन का पैगाम लाया हूँ। मेरी आवाज अर्शे पर गूंज कर रह गई मगर किसी जानिब से कोई जवाब नहीं मिला। मैं सीढ़ियाँ उतर कर एक हॉल नुमा कमरे में आ गया जो खाली था। उसमें ना तो कोई साजो सामान था और ना ही फर्नीचर। उसके ऐन सामने एक कमरा था जिसका दरवाजा अंदर से बंद था। जगदीश साहिब शायद उसमें सो रहे थे, इसलिए मैंने आगे बढ़कर दस्तक दी। दूसरी जानब यानी दाएं हाथ पर एक कमरा था और उसका दरवाजा भी बंद था। मैं लड़खड़ाते कदमों से उस कमरे की जानिब बढ़ा। जाने क्यों यहाँ का माहौल बहुत पुरिसरार और खौफनाक सा था। मुझे एक वहशत सी होने लगी। दिल कहने लगा यहाँ से भाग जाओ, चले जाओ। अचानक उस कमरे का दरवाजा एक झटके से खुला और मैं चौंक कर कई कदम पीछे हट गया। उस कमरे से चार अफराद नहायत तेजी से बाहर आए और उन्होंने मुझे घेर लिया, पूरी तरह उनके नरगे में आ गया। उनमें से एक शख्स जो अपने चेहरे मोहरे पर से इंतहाई खतरनाक दिखाई दे रहा था, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर इस्तेज़ाइया नजरों से देखते तहकीर आमेज लहजे में पूछा, आप जगदेश साहिब के लिए क्या तोहफा लाए हैं, जरा हम भी तो देखें। उसके लहजे में ऐसी चुभन थी कि मैं सन्नाटे में आ गया। साफ जाहिर था कि ये चारों बदमाश मेरे बॉस के दुश्मन हैं और उन्होंने मिलकर जगदेश साहिब को ठिकाने लगा दिया है। जब वो मेरे गिर्द अपना घेरा तंग करने लगे तो मैंने अपने आप को संभाला और आहिस्ता सी आवाज में कहा, एक मिनट सब्र करें, मैं जगदेश साहिब का तोहफा आप लोगों की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। मेरी इस बात का उन लोगों पर खातिर खा असर हुआ और वो अपनी जगह रुक गए। वो मेरे गिर्द अपना घेरा तंग कर रहे थे। फिर मैंने बड़े इत्मीनान से अपनी जेब से लिफाफा निकाला, ये है वो तोहफा जो मैं जगदेश साहिब के लिए लाया हूँ। तोहफा तो बहुत शानदार, कीमती और अहम मालूम होता है, लाओ मुझे दे दो। इस बदमाश ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि ये तोहफा तुम सब में बराबर तकसीम कर दिया जाए? मैंने फिजा में तोहफा लहराते हुए कहा। क्या मतलब? उसने हैरानी से पूछा। वो मेरी बात समझा नहीं, ये किस तरह तकसीम हो सकता है? इस तरह, मैंने लिफाफे को दोनों हाथों में पकड़कर उसे बताया। मैं लिफाफा चाक करने वाला था कि उनमें से एक बदमाश ने मेरा इरादा भांप लिया। वो बिजली की तरह मुझ पर झपटा, अगर मैं उजलत से काम ना लेता तो लिफाफा उनके हाथ लग जाता। मैंने बगैर किसी ताखीर के इस लिफाफे के पुर्जे कर डाले और खिड़की से बाहर फेंक दी। फिर उन चारों ने मुझे नरगे में लेते हुए दबोच लिया और उन्होंने मिलकर मेरे साथ जो वहशियाना सलूक किया उसे शायद मैं जिंदगी भर ना भूल पाऊं। जब वो बड़ी सफाकी से मेरी दुर्गत बना रहे थे तो मैं बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा और कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो मैं बहुत देर तक यही सोचता रहा कि आखिर लोगों ने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया। पूरी तरह होश में आने के बाद मैंने दर्द से कराहते हुए आंखें खोली तो मेरी निगाह सबसे पहले लॉन्च की छत पर पड़ी। पहले तो मैंने सोचा कि क्या मैं वाकई जिंदा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी आत्मा परवास कर चुकी हो और मैं एक लाश की तरह पड़ा हुआ हूँ। लेकिन जब मेरे अंग अंग से दर्द की टीसें उठने लगी तो फिर जिंदगी का एहसास हुआ कि मैं जिंदा था, मौत के मुंह से निकल आया था। लेकिन तकलीफ की शिद्दत इस हद तक नाकाबले बर्दाश्त थी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। अचानक अर्शे पर आहट सुनाई दी और मैं इस ख्याल से लरज गया कि वो बदमाश अब भी मौजूद हैं और शायद इस इंतजार में हैं कि होश में आने के बाद दोबारा मेरी मिजाज पुरसी करके मुझे स्वर्ग में पहुंचा दें। शामू होता तो वो मुझे आवाजें देता। इन दरिंदों का ख्याल आते ही मुझ पर गशी तारी होने लगी। मैंने दिल में सोचा कि अब नहीं, सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। यूं भी मैं इस बात को पसंद नहीं करता था कि इस मुल्क के सदर को कत्ल कर दिया जाए और उसका तख्ता उलट दिया जाए। मैंने आंखें बंद करके सांस रोक ली ताकि वो मुझे मुर्दा समझकर वापस चले जाए। पैरों की चापें बदतरीज मेरे करीब तर मादूम हो गई। मैंने अंदाजा लगाया कि वो दो अफराद हैं। मुझे मौत के मुंह में पहुंचाने के लिए एक ही बदमाश काफी था। चंद लम्हों बाद मैंने अपने नथनों से एक अजीब सी महक महसूस की। ये किसी इतर या फूल की नहीं हो सकती। मुझे इस लम्हे अपनी सांसों पर काबू पाना दुश्वार लग रहा था। फिर मैंने अपनी आंखें खोल दी। घटाओं जैसे काले काले बाल मेरे शानों पर बिखरे हुए थे।
गरम गरम सांसों की महक मेरे चेहरे को झुलसा रही थी। इस औरत को देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो इर्शासीन थी। इर्शासीन की आंखों में एक अनजाना सा खौफ झांक रहा था। उसने पेशानी पर बिखरे बालों को हटाते हुए अपनायत के लहजे में पूछा, तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ, और आपके सामने हूँ, देख लीजिए। मैंने शोकी से जवाब दिया, इन बदमाशों ने तुम्हें ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुँचाया? इर्शासीन मुतफक्किर होकर बोली, अब कैसे हो? अगर इन बदमाशों के दो चार हाथ लाते और जूते पड़ जाते तो फिर शायद मैं जिंदा ना रहता। मैंने फिर शोकी से कहा, मुझे बहुत अफसोस है कि इन दरिंदों ने तुम्हारे साथ ज्यादती और तशद्दुद किया। इर्शासीन अफसुर्दगी से बोली, तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे कितना दुख हुआ है मैं बता नहीं सकती। इर्शासीन ने बड़ी संजीदगी से कहा, काश इसका अंदाजा मुझे हो जाता। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने तुम्हें पिस्तौल या चाकू नहीं दिया। असलहा होता तो तुम अपना बचाव कर सकते थे। मैं तुम्हारी साबित कदमी से बहुत मुतासिर हुई हूँ। तुमने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस राज की हिफाजत की। इर्शासीन बोली, मैंने आपका हुक्म अपना फर्ज समझकर अदा किया। जान भी चली जाती तो अफसोस ना होता। मैंने संजीदगी तारी करते हुए कहा, मैं तुम्हें इसके सिले में एक बहुत बड़ा इनाम दूंगी। इर्शासीन ने मेरी आंखों में झांका, एक अनमोल और अछूता इनाम। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इर्शासीन ने बिखरे हुए लहजे में कहा, तुमसे शादी करके घर बसाना चाहती हूँ। क्या? मैं भोंचका सा हो गया। ये आप मुझसे शादी करना चाहती हैं? मेरी जुबान लड़खड़ाई, क्या तुम मुझे एक पत्नी के रूप में कबूल कर सकोगे? मैं जिस तरह चाहूंगी वैसी जिंदगी साथ गुजार सकोगे? शायद तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा और तुम इस बात पर हैरान हो रहे हो कि मैं तुमसे किस लिए शादी करना चाहती हूँ। इर्शासीन बोली, जी हाँ। मैंने असबाती अंदाज में सर हिलाया। उसने लंबी पलकें झुकाकर एक गहरी सांस ली। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सुंदर सपना देख रहा हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं तुमसे क्यों और किस लिए शादी करना चाहती हूँ। वो ठहरी हुई आवाज में कहने लगी, मैं दुनिया की खुशनसीब तरीन औरत समझी जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास बेपनाह दौलत है। वो कितनी है मैं बता नहीं सकती, इसलिए कि मैंने कभी उसका हिसाब नहीं किया। जिंदगी की सारी आसाइशें मेरे कदमों में लौटती रहती हैं। मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं एक ख्वाबनाक जिंदगी की मालिक हूँ। लोग मुझ पर और मेरी जिंदगी पर रश करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब शायद ही मुझ जैसी कोई बदनसीब औरत होगी जो इतनी बड़ी दुनिया में तन्हा है। इर्शासीन ने गहरा सांस लिया और फिर बोली, बिलाखिर मैंने इस दुश्वार गुजार और टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलते हुए तुम्हें पा ही लिया। मैंने कदम कदम पर तुम्हारी आजमाइश की, तुम्हें कड़ी धूप में ला खड़ा किया, भट्टी में झोंक दिया ताकि तुम्हें कुंदन बना सकूं। इर्शासीन ने बड़ी आहिस्तगी से अपना सर मेरे सीने पर रखा तो मुझे यूं महसूस हुआ कि मैंने भी अपनी मंजिल पा ली हो। चंद सानियों के बाद वो सिसक कर बोली, क्या तुम एक बदनसीब इर्शा को अपनाना पसंद नहीं करोगे? मुझे ठुकराओगे तो नहीं? मेरे बाजू गो के शल से थे, लेकिन इस लम्हे ना जाने उनमें कहां से तवानाई आ गई। मैंने उसे बाजू में समेट लिया। मैं सारी जिंदगी आपका गुलाम बनकर रहूंगा। आपकी मोहब्बत मेरे लिए दौलत है। अब तुम मुझे आप ना कहो। इर्शासीन मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, मैं तुम्हारी बॉस नहीं, पत्नी हूँ, दासी हूँ। इर्शा, मैंने उसके चेहरे से बिखरे बालों को हटाते हुए कहा, सच सच बताओ, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? तुम इस हकीकत को सपना क्यों और किस लिए समझ रहे हो? उसके चेहरे का तूलो अर्स मेरी नजरों के सामने बढ़ता गया। इसलिए कि तुम बला की हसीन हो, एक हसीन बला, लेकिन ऐसी बला जिसकी मोहब्बत हर कोई नहीं पा सकता। मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये सपना नहीं, हकीकत है। फिर इर्शासीन ने अपने होंठ मेरे होंठों से पेवस्त कर दिए। मेरे जख्म पूरी तरह मंदमल होने में 10 दिन लग गए। इर्शासीन ने मुझे चिटागांग के सबसे बड़े और महंगे अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करा दिया। इस अस्पताल में बेहतरीन निगहदाश्त, इलाज, इर्शासीन का कुर्ब और उससे शादी करने के ख्याल ने 10 दिनों में मुझे पूरी तरह सेहत याब कर दिया। लेकिन मैं रातों को सोचता था कि कहीं ये सपना तो नहीं। एक अमीर कबीर औरत मुझसे शादी करके घर बसाने के लिए जो कह रही है वो फ्रेब तो नहीं? मगर उसकी आंखों में मोहब्बत के दिए जलते देखे और उसकी मोहब्बत में खोट महसूस नहीं होता था। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के तीसरे दिन हम दोनों ने कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। फिर वहां से इसी पद्मा लॉन्च में आ गए, जिसमें बदमाशों ने मेरी खूब खातिर मदारत की और मुझे अस्पताल में दाखिल कराने की नौबत आ गई। इसी लॉन्च को दुल्हन की तरह सजाया हुआ था और उसके कमरा को हुजला अरूसी बनाया गया था। सब कुछ शामू ने ऐसी फर्म को ठेका देकर बनवाया था जो डेकोरेशन का काम करती थी। रात 10 बजे शामू रुखसत हो गया। लॉन्च घाट से जरा हट कर खड़ी थी। शामू के रुखसत होने के बाद
लॉन्च में सिर्फ मैं और ईर्षा रह गए थे। जब मैं हुजला अरूसी की तरफ बढ़ा, मेरे जहन में झरना और किरण पहले की तरह आ खड़ी हुई। लेकिन अब ईर्षा को ब्याहने के बाद उनसे जैसे कोई दिलचस्पी नहीं रही। लेकिन मैंने एक बात महसूस की, शायद वो मेरा वहम था। इस रात कोई 2-3 मरतबा मैंने अपनी बाहों में आगोश में झरना को महसूस किया। ईर्षा की जगह जैसे झरना ने ले ली हो। हालांकि उस वक्त मैंने झरना को याद नहीं किया और ना ही वो मेरे दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। उस वक्त सिर्फ ईर्षा सीन थी। मैंने जब भी हीले बहाने से रोशनी करके देखा तो झरना नहीं ईर्षा ही थी। ये इसरार मेरी समझ में नहीं आया। अगले ही रोज हम दोनों रंगामाई के पुरफिजा मकाम पर हनीमून मनाने पहुंच गए। रंगामाई बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी इलाका था। कुदरत के हसीन और रंगीन और दिल में उतर जाने वाले नज़ारों से भरा हुआ था। हनीमून मनाने के लिए इससे अच्छा मकाम कोई नहीं था। जब एक हसीन और भरपूर जवान औरत का कुर्ब हो तो वो जगह कैसी ही क्यों ना हो, बहुत ही हसीन हो जाती है एक औरत की तरह। आलम बेखुदी में ऐसा महसूस करता कि बिस्तर पर ईर्षा नहीं झरना मौजूद है। ईर्षा जैसे झरना बन गई। तब झरना की याद ताज़ा हो जाती और वो मुझे बहुत याद आती। जब मैं बेखुदी की कैफियत से निकल कर आता तो ये देखता कि वो झरना नहीं ईर्षा है। ऐसा कई बार हुआ, इसलिए मैं ईर्षा सीन को झरना समझ जाता और झरना झरना कहकर मुखातिब करता। ईर्षा सीन की मेरे जवाब से तसल्ली हो गई थी। एक माह का अरसा पलक झपकते गुजर गया। मैंने बहुत कोशिश की कि ईर्षा सीन का मामला हल नहीं हो सका। वो मेरी पत्नी बनकर भी मेरे लिए पूरी इसरार ही बनी रही। मैंने उसे कितनी बार टटोला और पूछा कि वो कौन है और उसका ताल्लुक किस खानदान से है, मगर हर बार उसने मेरे सवालों को बड़ी खूबसूरती से हंसकर टाल दिया। जब मैं शदीद इसरार करता तो वो कहती, तुम ये सब कुछ जानकर क्या करोगे? क्या तुम्हारे लिए ये खुशी की बात नहीं कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और हमेशा चाहते रहेंगे? तुम मेरी दौलत हो और मैंने तुम्हें अपनी आत्मा का ही नहीं अपने जिस्म का भी मालिक बना लिया है। अब मैं तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी ही मलकियत हूँ। उसने मुझसे टूट कर मोहब्बत की थी। वो हर तरह से मेरे आराम का ख्याल रखती गई। शामों की मौजूदगी के बावजूद अपने हाथों से मेरे कपड़े धोती, उन पर इस्त्री करती, अपने हाथों से मुझे अपनी और मेरी पसंद की डिशें पका कर खिलाती। जब कभी वो किसी काम चिटागांग जाती तो मेरे लिए जाने क्या क्या खरीद कर ले आती। जब मैं उसे फजूल खर्ची पर टोकता तो वो बुरा मानने की बजाय हंस कर कहती, मैं तुम्हें हर वक्त खुश देखना चाहती हूँ, बस तुम खुश रहा करो, तुम मुझसे अलग नहीं हो और ना तुम मुझसे जुदा हो। शामू भी एक संगदिल और चट्टान की तरह था। कभी कभी मैं उसकी खामोशी पर बुरी तरह झंझला जाता। मेरी समझ में नहीं आता था कि शामू इस कदर क्यों राजदान बना हुआ है। कोई एक माह के बाद ईर्षा ने मेरे हाथ पर 10,000 की रकम रख दी। ये रकम किस बात की है? मैंने हैरत से पूछा, क्या तुम्हारे लिए कोई चीज खरीद कर लाना है? ईर्षा प्लीज मुझे तुम शर्मिंदा ना करो, मैंने तुमसे मोहब्बत की है, ये तुम्हारी पहली तनख्वाह है। वो दिलकश अंदाज से मुस्कुराई, ये मैं अपने पुराने मुआहदे की रूह से तुम्हें दे रही हूँ, तो गोया मैं तुम्हारा जर खरीद शोहर हूँ। मैंने चुपते हुए लहजे में उसे जवाब दिया, इसलिए तुम मुझे ये रकम दे रही हो? मैंने तुम्हें जर से नहीं मोहब्बत से खरीदा है, तुम मेरे पति देव हो, मैं तुम्हारी दासी हूँ, वो हंस कर बोली। ईर्षा सिंह मुस्तरिब और बेचैन सी हो गई। तुम मेरा मतलब समझे नहीं? मेरा ये मतलब है कि आखिर तुम्हें भी जेब खर्च चाहिए ना, मैं तुमसे कोई माली मदद कबूल नहीं करूँगा। मैंने कहा, तुम मुझे क्या मशवरा देना चाहती हो? तुम ऐसा करो कि यहाँ एक दरमियाने दर्जे का होटल खरीद लो और उसमें एक जनरल स्टोर भी खोल लेना। ईर्षा सिंह ने कहा, तुम होटल खरीदने की बात कर रही हो जबकि मैं एक साइकिल तक नहीं खरीद सकता। मैंने तलखी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यहाँ जो लकड़ी से बने हुए होटल हैं वो इर्जा कीमत पर मिल जाते हैं, इसलिए ज्यादा सरमाए की जरूरत नहीं होगी। तुम सरमाए की फिक्र ना करो, उसके लिए परेशान ना हो, मैं तुम्हें सरमाया फराहम करूंगी। वो मुझे मोहब्बत भरी नजरों से देखने लगी, ताकि जिंदगी भर के लिए मैं तुम्हारा मोहताज बनकर रह जाऊं। मेरी आवाज डोलने लगी, नहीं ईर्षा, मुझे मुलाजमत तलाश करने दो, फिर तुम ऐसा करो कि मुझसे कर्ज ले लो। ईर्षा सीन की आवाज भरास ही गई। मेरी बात से इसके दिल को गहरा सदमा पहुंचा था। तुम्हें मुझसे कर्ज लेने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके अदा कर देना, इस तरह तुम्हारी अना और खुददारी भी मजरू नहीं होगी। मैंने थोड़ी देर तक सोचने के बाद हामी भर ली, उसमें कोई हर्ज नहीं था, मुलाजमत के मुकाबले में भी ये बिजनेस बेहतर था। दूसरे ही दिन घाट के पास वाकया वो होटल खरीद लिया गया जिस पर कई दिनों से बराए फरोख्त की तख्ती लगी हुई थी। गो वो होटल बहुत ही सस्ता मिला था, लेकिन मुरम्मत तलब था। उसकी मुरम्मत और दुरुस्तगी में एक हफ्ता लग गया और उसके रंगो रोगन पर खास रकम खर्च हो गई।
उसके अलावा नया फर्नीचर भी खरीदना पड़ा। उसमें जो फर्नीचर था वो इस्तेमाल के किसी काबिल ना था। इस काम से फरागत पाने के बाद मैंने शामों की मदद से जनरल स्टोर के सामान की एक फहरिस्त बनाई और उसकी खरीदारी के लिए शामू का हमरा लेकर चिटागांग चला गया। मैं और शामू सामान की खरीदारी करके दूसरे ही दिन वापस पहुंच गए। इर्शासीन को बहुत खुश देखा तो मैं समझा कि वो इसलिए खुश हो रही है कि मैं होटल और जनरल स्टोर खोलने वाला हूं। लेकिन मेरी ये खुशफहमी थी। मैंने ऐसी बेपनाह खुशी और सरशारी की कैफियत कभी तारी होते हुए नहीं देखी थी। उसका चेहरा दमक कर गुलाबी हुआ जा रहा था। जब मैंने उसकी वजह पूछी तो उसने बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया। मेरे दिल के किसी कोने में शक का जहरीला सांप कुंडल मारकर बैठ गया। मैं उसे दो एक मर्तबा शामू के साथ पुरिसरार अंदाज में सरगोशी करते हुए देख चुका था, जैसे वो उसे कुछ हदायत दे रही हो। फिर वो किसी काम से शामू को चिटागांग भी भेज देती तो वो सुबह जाकर शाम लौट आता। मैंने उससे कई बार कहा था कि वो घरेलू कामकाज के लिए कोई मुलाजमा क्यों नहीं रख लेती। रंगामाई में चकमा और लक कबीले की कौमें बसती थी। औरतों और लड़कियों की बहुतात थी। उसके अलावा बंगाली लड़कियां भी मिल जाती थी। लेकिन ईर्ष्या ने ये कहकर नहीं रखा कि वो चोर उचक्की होती हैं, उनका काम भी ठीक नहीं होता। मेरी गैर मौजूदगी में ना जाने ऐसी क्या बात हो गई थी, उसके तेवर और अंदाज भी बदल कर रह गए थे। इर्शासीन ने मेरे दिल में एक नामालूम शुबे को जन्म दे दिया, जिससे वसवसों और अंदेशों के जहरीले नागों ने मेरे दिलो दिमाग को डस लिया था। रात खाने की मेज पर वो पूरे मूड में थी और बात बात पर लतीफे सुना रही थी। उसे लतीफे बहुत याद थे। कभी मैंने उसे इस कदर मूड में नहीं देखा। मैंने उसके कहकहों में पूरी तरह साथ तो दिया था, लेकिन मेरे कहकहे और हंसी बड़ी खोखली, बेजान और वीरान और इस अंदाज की थी जिसे वो महसूस भी ना कर सकी। मेरा दिल अंदर से बुझा हुआ था। मैंने दिल से उसके पकाए हुए खानों की भी तारीफ की तो उसकी खुशी जैसे दो चंद हो गई थी। हम दोनों ने चांदनी रात का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी देर तक बोटिंग भी की। हम दोनों एक ऐसे ऊंचे टीले पर चढ़ गए जहाँ से चांदनी का नजारा बहुत अच्छी तरह किया जा सकता था। मैंने अपना शक दूर करने के लिए उसे बाजुओं में भर लिया। उसने बड़ी गर्म जोशी और खुद स्पुर्दगी से मेरी मोहब्बत का जवाब दिया। रात कमरे में हम दोनों ने जाग कर गुजारी। वो दिन भर की थकी मांदी थी, फिर भी उसने किसी बात से इनकार नहीं किया और ना ही उसके वालेहानापन और दारिस्तगी में कोई कमी आई। अगर वो अपने महबूब के साथ गलाजत और दलदल में गिरी हुई होती तो वो मुझे करीब आने भी नहीं देती और हीले बहाने करती। एक तरह से ये बात साफ हो चुकी थी कि कोई उसका महबूब नहीं है और उसने मेरी गैर मौजूदगी में ना अपना वजूद मैला किया और ना ही बिस्तर। ताहम मैंने दिल में तहैया कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हर कीमत पर उसकी इस बेपाया खुशी का राज मालूम करके रहूंगा। दूसरे दिन मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि होटल की सफाई करवाना और दुकान में सामान रखना था। हस्बे मामूल हम रात गए तक जागते रहे। इर्शासीन मुझ पर इस कदर मेहरबान और फियाज औरत बनकर टूट पड़ी थी कि शादी की पहली रात जैसा तूफान आ गया था। तूफान की इस शिद्दत ने मेरा दिल साफ कर दिया। इस एक डेढ़ माह के दौरान शायद ही कोई ऐसी रात गुजरी हो कि हम दोनों जज्बात की मौजों में बहते हुए दूर तक निकल ना गए हों। वो रोज ही बदली बनकर मुझ पर बरसती और मैं खूब खूब शेर होता और मैं अपनी किस्मत पर रश करता। मुझे यूं महसूस होता जैसे मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत तरीन शख्स हूँ। सुबह जब मैं बेदार हुआ तो मैं थकन से चूर और निढाल था और मेरा सारा बदन और जोड़ जोड़ टूट रहा था। पलकें भारी हो रही थी। मेरे दिलो दिमाग पर पुरानी शबाब का खुमार छाया हुआ था। हम दोनों रोजाना ही रात के आखिरी पहर सो पाते थे, मगर कभी 9 बजे के बाद बेदार नहीं हुए थे, इससे पहले ही जाग जाते। मैं गहरी नींद सो भी रहा होता तो इर्शासीन के लब मुझे जगा देते। लेकिन आज दिन के 1 बजे तक नींद ने मुझे अपनी आगोश में समेट रखा हुआ था और इर्शा ने मुझे जगाया भी नहीं, जो मेरे लिए ताज्जुब की बात थी। मैंने तकिए पर गर्दन घुमाकर इर्शासीन की तरफ देखा। वो बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। इसमें हैरत की बात ना थी। मैं समझा कि वो नहा रही होगी। पहले तो ख्याल आया कि मैं वॉशरूम का दरवाजा खोलकर देख लूं। चूंकि मुझ पर एक नशा सा छाया हुआ था इसलिए बिस्तर से निकला नहीं। मैंने कितने ही लम्हों तक अपने कान वॉशरूम की तरफ लगाए रखे, लेकिन उसमें से पानी गिरने का शोर सुनाई नहीं दिया। मैंने बरामदे की तरफ नजर डाली क्योंकि ईर्ष्या नहाने के बाद बरामदे में खड़ी होकर अपने बाल खुश किया करती थी, मगर आज बरामदा भी सुनसान पड़ा था। दो एक मर्तबा ऐसा भी हुआ था कि ईर्ष्या ने बहुत ही सवेरे किसी काम से शामू को चिटागांग भेज दिया और नहाने और तैरने के लिए अकबी हिस्से में आ गई। उसके अकबी हिस्से में जो एक बहुत ऊंचा टीला था जिसमें एक होटल था, वो मुकफिल था, लिहाजा यहाँ आसानी से
और नहायत आजादी, सुकून और इत्मीनान से नहाया जा सकता था। उधर से कोई मोटर बोट नहीं गुजरती क्योंकि ये रास्ता नहीं था। वो यहाँ आकर आजादी के झूले में बड़ी देर तक तैरती और नहाती रहती। मैं भी इस मौके से फायदा उठाता, हम दोनों नहाते और तैरते रहते। मैंने यहाँ आकर देखा किनारे ना तो उसके कपड़े थे और ना ही पानियों में वो तैरती नहाती हुई दिखाई दी। फिर मैंने हैरत के आलम में बंगले का कोना कोना छान मारा। मेरा ये ख्याल था कि क्योंकि वो दो दिन से बहुत खुश थी और इस पर एक अजीब सी सरशारी तारी थी, शायद वो मेरे साथ कोई शरारत ना कर रही हो, वो मुझे तंग करके लुत्फ उठाकर महजूज हो रही होगी। ऐसी कोई बात ना, इर्शा सीन और शामू गधे के सर के सींग की तरह गायब हो गए थे। मैं भोंचका सा हो गया, कितनी ही देर तक सन्नाटे की हालत में खड़ा रहा। ये दोनों आखिर गए कहाँ? मुझे इर्शा के कपड़े और सूटकेस का ख्याल आया। मैं सनसनाते हुए तीर की मानिंद अपने कमरे में पहुंचा और फिर अलमारी खोली तो उसमें इर्शा के कपड़े की एक धज्जी तक भी मौजूद ना थी। अलबत्ता 1000 और 500 और 100 टाका के नोटों की गड्डियां मेज पर पड़ी हुई थी। फिर मुझे एक और ख्याल आया तो मैंने कमरे की खिड़की के पास जाकर बाहर झांका। डॉग प्रूफ एक मोटर बोट थी, दूसरी मोटर बोट नहीं थी। इस मोटर बोट से शामू और इर्शा सीन कहीं चले गए थे। मेरा दिल धक से रह गया। मेरा सर चकराया तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। इर्शा की बेपाया मुसर्रतों का सरबस्ता राज मुझ पर खुल गया था। मेरा क्यास दुरुस्त साबित हुआ, कल शायद उसका रूठा हुआ महबूब उसे तलाश करता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा था। मैंने अक्सर ये बात महसूस की थी कि इर्शा जब भी किसी काम से चिटागांग शहर जाती थी तो कुछ उदास उदासी नजर आती थी, मगर जब वो लौट कर आती तो बहुत मसरूर सी दिखाई देती। मैं तो ये समझता और अपने दिल को फरेब देता रहा कि वो मेरी आरजी जुदाई की वजह से उदास हो जाती है और जब वो शाम वापिस आती है तो मिलाप का एहसास उसे खुशो खुरम कर देता है। लेकिन आज सब कुछ अयां हो गया था, वो अपने महबूब के साथ फरार हो गई थी और मैं अफसोस मलता रह गया। मेरा जहन मफलूज हो गया था, मुझे किसी पल करार नहीं आ रहा था। अगर उसके दिल में कोई और बसा हुआ था तो उसे इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी? उसने मुझे तमाशा क्यों बनाया? मुझसे शादी करके इस पुरफिजा मकाम पर रहकर जिंदगी बसर करने का मंसूबा क्यों और किस लिए बनाया? मैंने उसके लिए उसे मजबूर नहीं किया था और ना मेरी ये हिम्मत थी कि मैं उसे ऐसा कोई मशवरा दूं। इर्शा सीन की पुरिसरार और अजीबोगरीब शख्सियत मेरी समझ में नहीं आई। मैं उसके मुतालिक जितना सोचता उतना ही उलझता जा रहा था। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी औरत के बारे में तो ना सुना था और ना ही पढ़ा था। वो बड़ी गहरी औरत साबित हुई थी। मैंने पहले हजार हजार के नोटों की गड्डी उठाकर देखी, वो 20 अदद नोट थे। फिर 500-500 के नोटों की गड्डी देखी, उसमें 40 नोट थे। 100-100 के जो नोट थे वो 2000 की रकम थी। वो 50,000 की रकम छोड़ गई थी। इस 50,000 की रकम का जवाब मेरी समझ में नहीं आ सका कि वो किस लिए छोड़ कर गई। बड़ी देर तक सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वो एक तरह से मुझे रिश्वत और लालच देकर गई है कि मैं उसका ताकुब ना करूं, उसका ख्याल छोड़ दूं। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, मैंने अपने दिल के नेहा खानों की अथाह गहराइयों में झांक कर देखा तो उसके हर गोशे में इर्शा सीन के नक्श साबित नजर आए। इस लम्हे उसके बगैर मुझे अपनी जिंदगी अधूरी और ना तमाम सी महसूस होने लगी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की जात का जुज बन गए थे। और इसके अलावा मैंने कभी कभी रातों में उसमें झरना का हसीन अक्स पाया था। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं इसके बगैर इस कड़ी धूप में अपनी जिंदगी जारी नहीं रख सकूंगा। इर्शा की जुदाई और उसके हरजाईपन का यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी मोहब्बत और गर्म जोशी से चाहने वाली औरत मुझे फरेब दे जाए और मेरी आंखों में धूल झोंक जाए। ना जाने वो कौन लुटेरा था जो मेरी खुशियों को बेरहमी से रोंद कर और पामाल करके चला गया। लेकिन उसने 1,00,000 की रकम जनरल स्टोर के सामान और 1,00,000 की रकम होटल की क्रॉकरी के लिए भी दी थी। गो के ये कर्ज था, मेरे पास उसमें से 30,000 की रकम बच गई। इस रकम से ना तो मेरा गम कम हुआ और ना ही मुझे कोई खुशी हुई। मुझे इर्शा सीन की एक बात याद आई। वो अक्सर शरारत भरे लहजे में शोखी से कहते हुए मेरी आंखों में झांकती, तुम मुझसे इतनी गर्म जोशी और मोहब्बत जताते हो, सच सच बताओ मैं तुम्हारा इम्तिहान मोहब्बत लूं तो क्या तुम इस आजमाइश में पूरा उतर सकोगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरी मोहब्बत का इम्तिहान ले रही हो या वो मुझे दहकती हुई आजमाइश की भट्टी में झोंक कर चली गई हो? फिर मेरे दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं इर्शा सीन से इंतकाम लूं, या वो मुझे दहकती हुई आजमाइश की भट्टी में झोंक कर चली गई। मैंने एक भरोसे के मुलाजिम को होटल की जिम्मेदारी सौंप दी। इस होटल के कुछ पुराने मुलाजमीन ने मुझसे राब्ता किया तो मैंने उन्हें रख लिया था।
वो ना सिर्फ तजर्बा कार थे बल्कि दयानतदार और मेहनती भी थे। इरशासीन और शामू के ख्याल में उनसे बेहतर मुलाजिम मुझे मिल नहीं सकते थे। मैं इरशासीन की तलाश में चिटागांग पहुंचा। फिर मैंने चिटागांग शहर का चप्पा चप्पा छान मारा मगर उसका कोई सुराग कहीं नहीं मिला। फिर ढाका और खलना शहर में जाकर उसे तलाश की, उसको ना ही मिलना था और ना मिली। फिर मैं 2 माह बाद रंगा माई वापिस आया कि शायद उसे मेरी मोहब्बत की कशिश खींच लाई हो, मगर वहाँ मायूसी के अंधेरे ने मेरा इस्तकबाल किया। इरशासीन तो क्या, शामू ने भी पलट कर मेरी खबर नहीं ली, जिस पर मुझे हैरत से ज्यादा दुख हुआ। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इर्शा से इंतकाम लूं। वो मेरी पत्नी होते हुए भी मुझे अचानक और कोई वजह बताए बगैर चली गई, लिहाजा अब मैं उसका पाबंद हूँ और ना ही गुलाम। फिर एक ख्याल आया, क्यों ना मैं झरना के पास चला जाऊँ। झरना बहुत हसीन है और अब मेरे पास इतनी रकम है कि वहाँ जाकर झरना से शादी करके घर बसा सकता हूँ। फिर ये सोचा कि अगर झरना ने मुझसे शादी नहीं की और उसने किसी और से शादी कर ली हो तो मैं क्या करूँ। लिहाजा मैंने दिल से किरण और झरना का ख्याल और मकामी लड़कियों से बिस्तर मैला करने का ख्याल निकाल दिया। मैंने कोई 1 वर्ष तक उसकी तलाश जारी रखी। मैंने अपनी सारी तवज्जो कारोबार पर मरकूज कर दी ताकि अपने आप को मसरूफ रखूं। इस तरह से मेरा गम और दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। मैंने अपने होटल और जनरल स्टोर का नाम भी उस बेवफा के नाम पर रख दिया। उससे अच्छा नाम क्या हो सकता था। ना जाने क्यों मुझे अब भी उम्मीद थी कि वो मुझे एक रोज जरूर मिलेगी, वो एक दिन जरूर वापस आएगी। मैं हर रोज शहर से आने वाली बसों, कोचिज और कारों में इरशासीन का चेहरा तलाश करता, घाट पर जाकर मुसाफिर लांचों में झांकता और फिर शाम होते ही खुली सड़कों पर आवारा गर्दी करता रहता। उसके अलावा 15 दिन में एक बार चिटागांग जाकर रेलवे स्टेशन, टर्मिनल और एयरपोर्ट भी जाकर मुसाफिरों में उसे तलाश करता। वो एक ऐसा सपना बन गई जो कभी पूरा होता हुआ लगता नहीं था। 2 वर्ष का अरसा मैंने उसकी याद में बड़े कर्ब, अजियत और वहशत से गुजार दिया। मैं अक्सर जज्बाती होकर सोचता कि 1.5 वर्ष गुजर गया, फिर 1.5 वर्ष और गुजर जाएगा, फिर 2 वर्ष और बीत जाएंगे, इस तरह तो 2-2 वर्ष करके सदियां गुजर जाएंगी। फिर मेरी जिंदगी का आखिरी दिन आ पहुंचेगा, मगर क्या इर्शा फिर भी नहीं आएगी? क्या वो अपने हाथों से मेरी समाधि पर फूल नहीं चढ़ाएगी? मेरी आत्मा को मरकर भी चैन नहीं मिलेगा। उस रात मैं होटल के एक कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ इरशासीन के तसव्वुर में गुम था। खिड़की की सलाखों के पीछे पूरा चांद मुस्कुरा रहा था। मेरे कमरे में चांदनी खुलकर बरस रही थी। मेरी निगाह गैर इख्तियारी तौर पर दरवाजे की तरफ उठ गई, क्योंकि राहदारी में कदमों की हल्की सी चाप उभरी थी। चंद सानिये भी नहीं गुजरे थे कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं एक झटके से बिस्तर से निकल आया। दस्तक का ये अंदाज इससे पहले मैंने नहीं सुना था। मेरे होटल के मुलाजमीन और मुलाजमान किसी और तरीके से दस्तक देते थे। बाज़ औक़ात कोई हसीन और जवान लड़की ही बिस्तर मैला करने के लिए आती तो उसका यही अंदाज होता, जबकि मैं ऐसी औरतों की तरफ देखता और सोचता भी नहीं था। मैंने चौकीदार को मना किया था कि ऐसी लड़कियों को रात के वक्त अंदर और मेरे कमरे पर आने नहीं दिया जाए। मेरा दिल एक अनजाने एहसास से धड़कने लगा। मैं दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़ा। मैंने इस लम्हे सोचा कि अगर ये औरत वाकई बहुत हसीन और नौजवान हुई तो उसके साथ वक्त गुजारी कर लूंगा। अब मेरे लिए औरत के बगैर रात गुजारना नामुमकिन और ना काबिले बर्दाश्त भी होता जा रहा था। मैं दरवाजे से 2 कदम पर रुक गया ताकि जो भी औरत है वो अंदर आ जाए। उससे दरवाजे पर बात करना मुनासिब नहीं था। कौन है? दरवाजा खुला हुआ है, अंदर आ जाओ। दरवाजा बड़ी आहिस्ता से खुला। मैंने उस जानिब अपनी निगाहें मरकूज कर रही थी कि देखूं कैसी औरत है और किस उम्र की है। आसमान पर मुस्कुराता हुआ चांद मेरे कमरे में उतर आया था। दहलीज पर इरशासीन खड़ी थी। मैंने फटी फटी आंखों से अपनी इर्शा को देखा। ये सपना नहीं था और ना ही किसी और औरत पर इरशासीन का धोखा हुआ था। मैं उसे देखता का देखता रह गया। इस 1.5 वर्ष के अरसे में इसमें बड़ी तब्दीली आ गई। इसके जिस्म में पहले से कहीं ज्यादा दिलकशी, गुदाज और रस पैदा हो गया। मैंने इरशासीन से शिकायती लहजे में कहा, इर्शा ये तुमने मुझसे क्या खेल खेला? अगर तुम यहाँ कुछ दिन ना आती तो मेरी समाधि हो जाती। इर्शा ने झट से अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। फिर चंद सानियों बाद बोली, भगवान के लिए ऐसी बात जुबान से ना निकालें। भगवान के लिए बताओ ये सब कुछ क्या था? मैंने उसके रेशमी बालों को सहलाते हुए कहा, मुझसे कोई बात ना छुपाना। इर्शा ने मुझे अपने खानदान की सियासत, रंजिशों और बाहमी झगड़ों के दर्दनाक वाकयात की एक लंबी कहानी सुनाई, जिसके बाइस उसे अचानक और चुपके से मुझे छोड़ना पड़ा। अगर वो ऐसा ना करती तो मेरी जान को खतरा लाहिक हो सकता था।
इस बात का वक्त नहीं था कि वो मुझे एतमाद में लिया जाए और फिर उसे जाने दिया जाए। इस तरह एक नई आफत खड़ी हो जाती। इस डेढ़ वर्ष के अरसे में उसके दिल पर क्या बीती वो एक अलग और कर्ब वाली कहानी थी, दुखों से भरी हुई एक दर्दनाक कहानी, जिसे सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मुझे उस पर बड़ा तरस आया कि इस फूल जैसी औरत पर क्या कुछ बीत गया जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। उस पर काले जादू का अमल भी किया गया और बुलाओं और चुड़ैलों से उसे हरासा भी किया गया ताकि वो खौफ और दहशत से मर जाए। उसने एक साधु की मदद से उनसे निजात पाई थी, अब उसे कोई खतरा नहीं था। लेकिन मुझे ईर्ष्या की जिंदगी प्यारी थी, मगर मुझे उसके खानदान की किसी सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या की जात से दिलचस्पी थी। मुझे अपनी मंजिल मिल गई थी। मेरे घर के आंगन में वही चांद उतर आया जिसके दम से उजाला था। मैंने सोच लिया था कि मैं प्यार की एक ऐसी मजबूत दीवार बनाऊंगा कि ईर्ष्या उसे ता जिंदगी कभी भूल ना सके, वो इसमें मसरूर होकर रह जाए। मैंने उसका ब्लाउज दूध में भीगा हुआ देखा तो उससे मुताज्जब लहजे में पूछा, क्या तुमने बच्चे को जन्म दिया? हाँ, ईर्ष्या ने जवाब दिया, मैंने तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया। जब मैं यहाँ से गई थी तब मेरी तबीयत खराब हो गई। जब मैंने अपना तिबी मुआयना करवाया पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ। जब बच्चा हुआ तो वो सिर्फ दो दिन जिंदा रहा। इतना कहकर वो रो पड़ी, वो कैसे मर गया? मेरे दिल पर चोट लगी, वो मेरे बच्चे की माँ बनी और बच्चा मर गया। दुश्मनों ने जो जादू किया था उसने मेरे बच्चे की जान ले ली। वो जख्म खुर्दा लहजे में बोली, मुझे बच्चे के मरने का जितना दुख है उससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि तुम्हारी जिंदगी सलामत रही। अब तुम उस बच्चे का गम ना करो, तुम नहीं जानते कि मेरी ममता उसके लिए कितना तड़पती है। वो लर्जीदा आवाज में बोली, वो मुझे बहुत याद आता है, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह था। भगवान ने चाहा तो हमें वो और भी सुंदर और गोल मटोल सा बच्चा देगा। मैंने उसे दिलासा दिया, तुम इस बात की चिंता ना करो। मैंने वही बंगला किराए पर ले लिया। शामू भी ईर्ष्या के साथ ही लौट आया। एक बार फिर पहले जैसी रात दिन तेजी से गुजरने लगे, लेकिन अब उनमें पहले से कहीं ज्यादा शिद्दत थी। मैं होटल और दुकान के कारोबार से ज्यादा ईर्ष्या की जात में दिलचस्पी लेने लगा। मैंने उसके गिर्द प्यार की मजबूत दीवार बनाना शुरू कर दी, मगर डेढ़ माह का अरसा भी नहीं गुजरा कि वो दीवार मसमार हो गई। दीवार मसमार नहीं हुई थी, बल्कि मैं एक तरह से मसमार हो गया था। हुआ ये था कि ईर्ष्या सिंह डेढ़ वर्ष पहले की तरह एक बार फिर शामू के साथ अचानक गायब हो गई। अब उसे तलाश करना फजूल, बेसूद और वक्त का ज़िया था। एक ख्याल मेरे जहन में आया कि कहीं वो वाकई कोई बला तो नहीं जो एक हसीन औरत के रूप में आकर अपनी हवस की प्यास बुझाकर चली जाती है, फिर किसी और जवान मर्द की आगोश गर्म करती है। मैंने ये सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी कि शायद वो फिर डेढ़ वर्ष के बाद चली आएगी। मगर 6 माह भी नहीं गुजरे थे कि मेरी हालत पागलों जैसी हो गई। मुझे किसी चीज किसी बात का होश नहीं रहा। मैं उस बंगले में पड़ा रहता क्योंकि यहाँ एक सुकून मिलता था। मैंने एक वर्ष का अरसा जिस कर्ब और अजियत से एक एक दिन करके काटा, ये मेरा दिल और मेरा भगवान ही जानता है। एक रोज मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ अपनी उदासी दूर करने की गर्ज से हिसाब की जांच पड़ताल में मसरूफ था कि कोई मेरी मेज के करीब आकर खड़ा हुआ। मैंने चौंक कर सर उठाया तो मेरे हाथ से कलम छूटकर गिर पड़ा। मेरे सामने शामू खड़ा था। उसकी आंखों और होंठों पर एक खुशगवार मुस्कुराहट फैली हुई थी और उसका चेहरा दमक रहा था और उसकी आंखों में चमक थी। मैं शामू को देखते ही उछल पड़ा, जैसे मैंने उसकी आंखों में ईर्ष्या सिंह का अक्स देख लिया। मेरा दिमाग खुशी से माफ हुआ जा रहा था और उसका जैसे कोई ठिकाना नहीं रहा। शामू तुम? मैं मुसर्रत से चीख पड़ा, ये कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? शामू ने जवाब देने में तामल किया। उसकी चमकती हुई आंखें मेरी हैरत जज्बाती कैफियत और बिखरे हुए तासुरात को पढ़ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए मेरी आंखों में झांका, ये आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? मैं आपका खादिम शामू हूँ। लेकिन अब यकीन आ गया, मैंने जवाब दिया। तुम्हें अचानक सामने देखकर ऐसा लगा ख्वाब देख रहा हूँ। फिर उसने सरगोशी के अंदाज में मुझसे कहा, सरकार, मालकन आपका बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रही है। कहाँ है तुम्हारी मालकन? मैंने बेताबी से पूछा और मेरी नस नस में खून रक्सा हो गया। आपकी पत्नी बंगले पर आपका इंतजार कर रही है, शामू ने मानीखेज लहजे में जवाब दिया। जल्दी से चलिए। लेकिन वो होटल पर किस लिए नहीं आई? तुम उन्हें यहाँ ले आते, पहले वो होटल पर ही तो आई थी, मैंने कहा। वो चूंकि लंबे सफर के बाइस बहुत थकी हुई थी इसलिए वो बंगले पर पहुंच गई। उन्होंने भेजा है कि मैं आपको लेता हूँ। मैं शामू के हमरा हवाओं में उड़ता और उससे गुफ्तो सवाल करता हुआ घाट पर पहुंचा। थोड़ी देर की मुसाफत सदियों की बन गई। जब मैंने बंगले पर पहुंचकर अपनी ख्वाबगाह में
कदम रखा तो मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। मुझ पर जैसे कोई बिजली आ गिरी। उस कमरे में ईर्ष्या नहीं थी, उसमें चार आदमी थे जैसे मेरे शहाना इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। उनके चेहरों पर पेशावर कातिलों जैसी सफाकी थी। वो मुझे सफाकी से मौत की नींद सुलाने आए थे। मुझे इस लांच के बदमाश याद आ गए, लेकिन वो मुसल्ला नहीं थे। दहशत से मेरा बदन लरजने लगा। जद्दोजहद पाने की हर कोशिश मेरी नाकाम रही। ऐसा लग रहा था कि मैं गश खाकर गिर जाऊंगा। मैं मेज का सहारा ना लेता तो यकीनन गिर पड़ता। फिर मैंने बिजली की सी सरद से पलटकर शामू की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कमीनगी बरस रही थी और आंखों में एक वहशियाना सी चमक। शामू, मैं हकलाया, ये सब कुछ क्या है? हाँ, मैं शामू ही हूँ। इसने आगे बढ़कर मेरा गिरेबान पकड़ लिया। मुझे गौर से देखो, मैं शामू की रूह नहीं हूँ। तुम कोई ख्वाब नहीं देख रहे। आंखें फाड़ फाड़ कर देखो, मुझे छू कर देखो, मैं शामू ही हूँ। मुझे शामू की यह हरकत बड़ी अजीब और नाकाबले यकीन सी लगी। मेरा गिरेबान उसने इस तरह पकड़ा जैसे मैं उसका जानी दुश्मन हूँ और वो मेरी आंखों में आंखें डाले किसी कातिल की तरह घूर रहा था। शामू, मैंने बड़े दुख और हैरत से कहा, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझसे इस तरह से पेश क्यों आ रहे हो? बकवास बंद करो, वो गुर्राया, तुम्हें ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं। तुम दो कौड़ी के इंसान हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझसे नफरत और हिगारत से बातें कर रहे हो? मेरी आवाज गले में रुंध गई। मैं जो भी हूँ और जैसा भी हूँ, तुम्हारी मालकन का पति हूँ, फिर भी तुम मुझे दो कौड़ी का कह रहे हो? हाँ, मैं जानता हूँ तुम मेरी मालकन से पहले क्या थे, एक भिखारी से भी बदतर। तुम्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं था। तुम किस लिए आए हो और मुझसे क्या चाहते हो? तुम लोगों को किस लिए लेकर आए हो? क्या मुझे खत्म करने के लिए? मैंने पूछा। मैं क्यों और किस लिए आया हूँ तुम्हें बताता हूँ। उसने मेरे गिरेबान को एक झटका दिया, फिर उसे छोड़ दिया। फिर उसने अपनी जेब से एक तय किया हुआ कागज निकाला, उसे मेरी नजरों के सामने लहराया। इस पर दस्तखत कर दो, उसके लहजे में जहर भरा हुआ था। मैंने तहय्युर ज़दा नजरों से इस कागज की तरफ देखा। ये क्या है? इस पर तुम किस लिए मेरे दस्तखत लेना चाहते हो? शामू के होंठों पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट फैल गई। वो करख्त लहजे में बोला, ये तलाक नामा है, जायदाद नामा नहीं है। तलाक नामा? मेरी आंखें वहशत से फैलने लगी। वो किस लिए? तलाक किस लिए? इस कागज पर लिखा हुआ है कि मैं अपनी पत्नी को तलाक दे रहा हूँ अपनी खुशी और मर्जी से। अब हम दोनों का कोई ताल्लुक नहीं रहा। मुझे उससे कोई सरोकार नहीं और ना ही मैं कल उस पर अपना हक जताऊंगा। हम इस कागज पर तुम्हारे दस्तखत लेने आए हैं। मैंने बमुश्किल अपने हवास पर काबू पाते हुए अटक अटक कर कहा, मगर तुम कौन होते हो जो मुझसे तलाक लेने आ गए? तलाक इस तरह नहीं दी जाती, इसके कुछ कानूनी तरीके भी होते हैं और हमारे धर्म में इस तरह से मैं खुद नहीं आया हूँ, बल्कि मालकन ने मुझे तुमसे तलाक हासिल करने के लिए भेजा है। उन्होंने ये कानूनी कागज तैयार करवा के दिया है और कहा है कि मैं इस पर तुम्हारे दस्तखत ले आऊँ। मैं धर्म और कानून नहीं जानता, मैं सिर्फ मालकन के हुक्म पर अमल करता हूँ। नहीं नहीं, मैं अपनी पूरी कुव्वत से चीख पड़ा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, वरना मैं तुम्हारे मुंह पर थूक दूंगा। मैं यहाँ से खाली हाथ जाने के लिए नहीं आया। शामू की आंखों में अंगारे चटकने लगे। तुम मुझे कुछ भी कह लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम ये अच्छी तरह से जान लो और समझ लो कि मैं तुम्हारे दस्तखत लिए बगैर किसी कीमत पर यहाँ से नहीं जाऊंगा। अगर मैं इस कागज पर दस्तखत नहीं करूँ तो मेरे लबों पर एक मुस्कुराहट दौड़ गई। इस सूरत में जो नतीजा निकलेगा उसके जिम्मेदार तुम होगे, शामू ने स्पार्ट लहजे में कहा। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इस कागज पर दस्तखत नहीं करूंगा। मैंने भी स्पार्ट लहजे में उससे तकरार की, तुम दस्तखत नहीं करोगे? दस्तखत तुम क्या, तुम्हारा बाप भी करेगा। तुम्हारी ये हट धर्मी फजूल और बेकार है, वो जहर खुंद बोला। तुम्हें अगर इतनी हिम्मत है तो मुझसे दस्तखत करवा के देख लो। दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल नहीं जो मुझसे दस्तखत करवा ले। मुझ में ना जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई कि मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर जसारत से कहा, मुझसे बड़ा माई का लाल कौन हो सकता है? शामू कहकहा मारकर बड़े जोर से हंसा। तुमने शायद सुना होगा कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो फिर टेढ़ी उंगली से निकाला जाता है। सुनो शामू, मैंने ठंडे दिल से कहा, तुम और तुम्हारे ये चारों कुत्ते मुझे खौफजदा करके दस्तखत करने पर मजबूर नहीं कर सकते। शामू के चेहरे पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट फैल गई। हमारे पास दूसरा रास्ता भी है जो नहायत आसान है। उस रास्ते पर चलने से तुमसे खुद ब खुद निजात मिल जाएगी। हम दस्तखत की जहमत से भी बच जाएंगे। मैंने मुर्तश आवाज में पूछा, वो कैसे? तुम्हारी मौत के सर्टिफिकेट से, जिसके हसूल में हमें कोई दुश्वारी नहीं पेश आएगी, वो बोला। इस तरह हमारा काम तुम्हारी मौत से बहुत आसान हो जाएगा। शामू ने ये कहते हुए
पलटकर अपने साथियों की तरफ देखा। शामू, तुम्हें भगवान की सौगंध, सच सच बताओ, क्या मेरी पत्नी ईर्ष्यासीन मुझसे तलाक लेना चाहती है? आखिर तुम्हें मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा? मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? ये एक हकीकत है, वो तड़ से बोला। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसके दुश्मन के इशारे पर मुझसे मेरी बीवी को छीन लेना चाहते हो? आखिर मैं तुम्हें किस तरह इस सच्चाई का यकीन दिलाऊं? शामू सीखपा हो गया। क्या तुम ये बात नहीं जानते कि मैं अपनी मालकिन का किस कदर वफादार नौकर हूँ? मैं सिर्फ अपनी मालकिन के लिए जिंदा हूँ और उनके लिए ही जिंदा रहूंगा। शामू की आंखों और उसके लहजे में उसकी सच्चाई का अक्स झलक रहा था। ये एक हकीकत भी थी कि वो अपनी मालकिन का इंतहाई वफादार और जानिसार मुलाजिम भी था। मेरे दिलो दिमाग में इस तरह के बहुत से सवालात गर्दिश करने लगे। ईर्ष्यासीन के बगैर मेरी जिंदगी बेकैफ और अधूरी थी। ये अजाब मैं पहले भी एक बार सह चुका था, अब फिर वो अजाब मेरे सर पर और मेरी जिंदगी पर मुसल्लत किया जा रहा था। ईर्ष्यासीन की बेवफाई का एहसास मेरे लिए हद दर्जा कर्बनाक था, मगर बहरहाल ये कर्ब, ये अजियत तो अब हर कीमत बर्दाश्त करना थी। इसके सिवा कोई चारा नहीं था। मैंने शामू के हाथ से वो कागज ले लिया और अपने उमड़ते आंसुओं को पीकर उस पर दस्तखत कर दिए। जब मैंने अपने हाथों से अपनी मोहब्बत का गला घोंट कर उसकी लाश शामू के हवाले की, तो अचानक एक बदमाश ने पीछे से मेरे सर पर एक जोरदार जर्ब लगाई। मेरा सर तेजी से चकरा गया और आंखों के सामने तारीकी फैलती चली गई। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। जब मेरी आंख खुली तो मंजर ही बदला हुआ था। मैं अपने कमरे में ना था, बल्कि रंगा माई के एक अस्पताल के कमरे में बिस्तर पर पड़ा हुआ था, जहां मुझे फौरन ही तिबी इमदाद दी गई। मुझे सेहत याब होने में एक हफ्ता लग गया। पूरी तरह सेहत याब होने के बाद कई दिनों तक मुझ पर एक जुनूनी कैफियत तारी रही। मैं अपने आप में नहीं रहा था। मेरी वहशत, मेरी अजियत और इस्तराब को समझने वाला कोई नहीं था। मैं किसे बताता, किसके पास जाता? मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे इस घर में ईर्ष्या की लाश पड़ी है, वो सुर्ख जोड़े में मलबूस है। मैं मर क्यों नहीं गया? मैंने सोचा कि मैं जिंदा क्यों और किस लिए हूँ? मैं उसे जितना भूलता वो उससे कहीं ज्यादा याद आती। मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं उसे कैसे भूलूं। मैं जितना उसे याद करता मेरी दीवानगी थी कि बढ़ती जा रही थी। जब मैंने देखा कि शराब ने मेरे गम, दुख, अजियत और एहसास से महरूमियों को कम नहीं किया, तो मैंने फिर शराब नोशी बंद कर दी। फिर कोई औरत मेरे अंदर जो खला पैदा कर गई थी उसे पूर्ण ना कर सकी। मुझे जिस्म की ख्वाहिश नहीं थी, मेरे अंदर हवस ना थी, ना भूख थी, मैं सिर्फ मोहब्बत का प्यासा था। फिर दिन बीत गए, वक्त चलता रहा, वक्त जो किसी का नहीं होता, वो मेरा भी नहीं था। फिर दो वर्ष गुजर गए, मगर मेरे लिए ये दो वर्ष ना थे, दो सदियां थी। जो मैंने दर्दनाक अजाब सहे और जो रातें काटी, बहुत दर्दनाक थी। बहार का गुलाबी मौसम शुरू हो चुका था, लेकिन मेरी जिंदगी में खिजां थी। इन दिनों रंगामाई में सयाहों की आमद का तांता बन जाता है। बांग्लादेश में ये सबसे पुरफिजा और खूबसूरत मुकाम है, जबकि रंगामाई कुदरत के हसीन नजारों से भरा हुआ है। इस मौसम में इतनी आमदनी हो जाती थी कि साल भर कमाने की जरूरत ना पड़ती थी, लेकिन मुझे आमदनी से कोई दिलचस्पी ना थी। इन दो बरसों में मुझे झरना का ख्याल भी आया था, लेकिन मेरा दिल टूट चुका था। अब मुझ में मजीद जख्म सहने का यारा नहीं रहा था। मैं पहले से बहुत जख्मी था। होटल का बिजनेस भी खुश इखलाकी पर चलता है। मैं दोपहर के वक्त इस्तकबालिया काउंटर पर खड़ा हुआ अपने गाहकों को खुश आमदीद कह रहा था कि इस हजूम में एक हसीन चेहरा देखकर मैं चौंक पड़ा। वो लड़की जिसकी उम्र बमुश्किल 20 वर्ष की होगी, वह बिलाशुबा बला की हसीन और पुरकशिश दिखाई दे रही थी। मेरे चौंकने की वजह उसका हुस्नो शबाब और पुरशबाब बदन नहीं था, बल्कि उसका हसीन चेहरा मुझे मानूस सा लगा। जहन पर बहुत जोर देने और बावजूद लाख कोशिश के मुझे ये याद ना आ सका कि उसे मैंने कहाँ देखा है। हालांकि मेरी याददाश्त इतनी कमजोर ना थी। ईर्ष्या की जुदाई के सदमे ने मेरी याददाश्त को मुतासिर किया हुआ था। दफतन उस लड़की की निगाह मुझ पर पड़ी तो वो भी चौंक कर अपनी जगह पर ठिठक गई। उसके चेहरे पर हैरत के आसार नुमाया होने लगे। यकबारगी उसकी हसीन आंखों में जैसे हजारों चिराग जल उठे और उसका गुलाब सा चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने अपने शोहर के पास जाकर चंद सानियों तक सरगोशी की, जो अपना सामान कोच से उतारने के बाद चेक कर रहा था। उसके शोहर ने सर हिला दिया, फिर वो अपने सीने और शाने पर साड़ी का पल्लू दुरुस्त करती हुई बोली, आपने मुझे पहचाना? जी नहीं, मैंने सर हिलाया, लेकिन मैं आपको पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे आपका चेहरा मानूस सा लग रहा है, इत्तफाक से मुझे आपका नाम याद नहीं आ रहा। मैंने आपको पहचान लिया है, उसने कहा। कितनी अजीब सी बात है,
कि आपको मेरा नाम भी याद नहीं और ना ही चेहरा। मुझे आपका नाम याद नहीं लेकिन चेहरा याद है। मैंने कब कहा कि चेहरा याद नहीं है, लेकिन ये याद नहीं आ रहा कि आपको कब और कहाँ देखा है। मैंने सफाई पेश की। ओह, मुझे आपका नाम याद आ गया। आपका नाम शायद सुंदरलाल या मोहनलाल है। उसकी हसीन आंखों में शोखी भर गई। मैं किसी को पहचानने में बहुत कम गलती करती हूँ। अगर मैंने गलत नाम लिया है तो माजरत चाहती हूँ। बहुत दिनों बाद मेरे होंठों पर एक ऐसी मुस्कुराहट उभरी थी जिसमें तरोताजगी और मुसर्रत थी। शायद आपने मुझे ख्वाबों में देखा हो या फिर किसी परिस्थान में। मेरी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। वो शख्स वाकई बड़ा खुशनसीब है जिसके कहने पे आप बेधड़क चली आई। अच्छा, वो यकलक खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर रसीली आवाज में अपना तारुफ करवाया। नम्रिता, अब कुछ याद आया? मैं जहन पर जोर देकर कुछ सोचने लगा। मेरे जहन की तारीकी मिट ना सकी। चंद बरसों पहले की बात है, आप मिसिज इर्शा सीन के यहाँ इंटरव्यू देने आए थे। मैंने उस दिन उनकी सेक्रेटरी के फ्राइज सर अंजाम दिए थे। वो क्या क्यामत खेज इंटरव्यू था। मुझे उम्मीदवारों की बदहवासी जब भी याद आती है तो मेरी हंसी छूट जाती है। मेरे जहन के बंद रीचे एक एक करके खुलते गए। नम्रिता ने उस बेवफा का जिक्र किया तो मेरे दिल में जैसे छुरा सा घोंप दिया हो। मैं उसे क्या बताता कि मेरे दिल को क्या रोग लग गया। चंद लम्हों बाद मुझे याद आया कि नम्रिता इंटरव्यू वाले दिन सरापा क्यामत बनी बैठी थी। उससे मेरी नोकझोंक और कदरे तल्ख गुफ्तगू भी हुई थी। दूसरे लम्हे मेरी वहशत हैरत में बदल गई, क्योंकि उसने इर्शा सीन को मिसिस के लकब से याद किया था, जो मेरे लिए ताजुब का बाइस था। मैंने किसी ख्याल के जेरे असर चौंकते हुए सोचा कि नम्रिता की गलत फहमी दूर कर दूं और उसे बता दूं कि मैंने उस बेवफा से शादी कर ली थी। फिर उसे अपनी दास्तान सुना दूं और बताऊं कि इर्शा सीन ने मेरे साथ क्या किया। वो इस वक्त मिसिस कहाँ थी? आपने उन्हें अपनी मर्जी से मिसिस बना दिया। मैंने कहा, तो क्या आपके इलम में ये बात नहीं थी कि वो मिसिस हैं, शादीशुदा हैं? नम्रिता ने ताज्जुब से पूछा। क्या? मैं इस तरह से उछल पड़ा जैसे बरकी झटका लगा हो। उसने चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद हैरत ज़दा लहजे में कहा, क्या आपके इलम में ये बात नहीं आ सकी थी कि वो मिस है या मिसिस? हालांकि वो आपको अपने चिटागांग वाले ऑफिस का मैनेजर बनाकर अपने साथ ही ले गई थी। आपने उनके पास दो एक वर्ष मुलाजमत तो की होगी। इतनी लंबी मुलाजमत में आदमी बहुत कुछ मालूम कर लेता है। मैंने किसी वजह से एक महीने बाद मुलाजमत छोड़ दी। मैंने झूठ का सहारा लेते हुए कहा, मैं 3 दिन की मुलाजमत के दौरान सिर्फ इतना जान सकी थी कि उनकी कौमियत बांग्लादेशी नहीं बल्कि हिंदुस्तानी है। नम्रिता ने कहा, लेकिन इस बात का इलम आपको कैसे और क्यों कर हुआ? क्या उन्होंने आपको बताया था? मैंने पूछा। हाँ, एक रोज उनकी गैर मौजूदगी में मेज की दराज किसी तजस्सुस के जेरे असर खोली तो उसमें उनका पासपोर्ट रखा नजर आया। उसके जरिए मुझे उनकी शहरियत और कौमियत का इलम हुआ। इस तजस्सुस की वजह ये थी कि वो अपनी हरकत और सकनात के बाइस मुझे बड़ी पूरी सरार लगी थी। क्या आपने उनके मुलाजिम शामू से कभी उसके बॉस के बारे में मालूम करने की कोशिश की? मैंने पूछा। जी हाँ, नम्रिता ने सर हिलाया। उनका मुलाजिम शामू तो बहुत ही गहरा और काया शख्स था। वो किसी बात का जवाब नहीं देता था। फिर आपकी उनसे कहीं भी मुलाकात हुई थी? मैंने धड़कते दिल से दरियाफ्त किया। जी हाँ, उसने सर हिलाया। 2 वर्ष पहले उनसे न सिर्फ मुलाकात हुई बल्कि उनके बारे में बहुत कुछ मालूम हुआ। यहाँ खड़े होकर मजीद बात करना मुनासिब नहीं था। उसका शोहर अपने सामान के पास खड़ा बहुत बोर हो रहा था। मैंने मुलाजिम को बुलाकर होटल के सबसे बेहतरीन कमरे में सामान रखवाया, फिर उन दोनों को अपने दफ्तर के कमरे में ले आया, उनके लिए मशरूब मंगवाया। मुझ पर एक अजीब सी वहशत तारी हो रही थी। दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। प्लीज, आप इर्शा सीन के बारे में जो कुछ भी जानती हैं उससे मुझे आगाह कर दें। ये आपकी बड़ी दया होगी। अब आप उनके बारे में क्यों जानना चाहते हैं? नम्रिता ने सवालिया नजरों से कहा। क्या कोई बात है? इसलिए कि वो औरत मेरे लिए बहुत पुरिसरार एक मौम्मा रही है। मैंने उसे बहुत गैर मामूली पाया है। इस औरत को अगर साहिरा कहा जाए तो आपके ख्याल में क्या ये मौजू और मुनासिब होगा? वो दिलकश अंदाज से मुस्कुराई। हाँ, मैंने सर हिलाया और उसके चेहरे पर निगाहें मरकूज करके पूछा, क्या वो कोई जादूगरनी थी? उनका हुस्न शबाब किसी जादू से क्या कम है? उसने जवाब दिया और सवालिया नजरों से देखा, क्या आप उनके असल नाम से वाकिफ हैं? आप सच कहती हैं? मैंने सर हिला दिया। वो एक ऐसी हसीन साहिरा कि मर्दों को अपने तिलिस्म में कैद कर लें। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी बहुत कम हसीन औरतें देखी हैं। क्या उनका असल नाम इर्शा सीन नहीं है? उनका असल नाम राजकुमारी राय है। वो मेरे चेहरे पर वहशत सी देख कर रंजीदा हो गई। आपको उनका असल नाम कैसे, क्यों कर और किससे मालूम हुआ? क्या ये नाम पासपोर्ट में लिखा हुआ था? मैंने पूछा।
मैं अभी बताती हूँ, वो कहने लगी। उनका पासपोर्ट इर्शा सीन के नाम से नहीं था। मैं कोई 1.5 वर्ष कबल अपनी एक रिश्तेदार बहन को देखने कलकत्ता गई थी। वो मेरी बहन अस्पताल में थी और बहुत बीमार थी। वो उस वक्त अस्पताल के दरवाजे से बाहर आ रही थी। उनकी गोद में नौजायदा बच्चा था और उनके साथ उनके पति भी थे, और उनके पति की उंगली 1.5 वर्ष के बहुत ही खूबसूरत और प्यारे बच्चे ने पकड़ रखी थी। जब उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उन्होंने मुझे फौरन ही पहचान लिया। वो मेरी तरफ बढ़ी, वो मेरे साथ बड़े इखलाक से पेश आई। उन्होंने बड़े बच्चे की तरफ इशारा करके बताया कि ये मेरा बड़ा बेटा है। गोद वाले बच्चे के बारे में बताया कि 4 दिन पहले पैदा हुआ है। फिर उनके कहने पर उनके पति ने अपना कार्ड निकालकर मुझे दिया। उन्होंने मुझे 3rd दिन अपने हाँ रात के खाने पर मधु किया। मैं 3rd दिन अपने पति के साथ उनके हाँ पहुँची। उनकी कोठी किसी महल से कम ना थी। उन्होंने हम दोनों की इस तरह और इस अंदाज से खातिर तवाजा की जैसे हम कोई शाही मेहमान हैं। मैंने उन्हें बताया कि मेरी शादी को 3 माह का अरसा हुआ है। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब कभी भी मैं कलकत्ता आऊं, उनसे मिलने चली आऊं। मैं आज भी उनकी मोहब्बत और खलूस को भूली नहीं हूं, और ना हम कभी भूल सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि कोई भूंचाल सा आ गया है। मेरा सर चकराने लगा। कमरे की हर चीज धुंध में लिपटी और तेजी से घूमती हुई महसूस हुई। मुझे हैरान और परेशान और वहशत ज़दा सा देखकर नम्रिता के शोहर संतोष ने पूछा, क्या हुआ सर, खैरियत तो है? उधर नम्रिता की आंखों में भी खौफ हरास की कैफियत पैदा हो गई। उसने सरासीमगी से पूछा, खैरियत तो है ना, परेशानी की कोई बात नहीं है? मैंने बहाना तराशा, दरअसल मुझे हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है। मेरा ख्याल है कि अब आप आराम करें, नम्रिता बोली। इर्शा से मेरी शादी 4 वर्ष कबल हुई, उससे अलहदगी हुए 2 वर्ष हो रहे थे। क्या इर्शा ने मुझसे तलाक लेते ही दूसरी शादी कर ली? 4 वर्ष के अरसे में 2 औलादें, ये कुछ समझ में आने वाली बात ना थी। ये बात बादस क्यास थी। क्या आपको इर्शा सीन ने अपनी शादी के बारे में बताया था कि उनकी शादी को कितना अरसा हुआ है? मैंने पूछा। जी हाँ, नम्रिता ने जवाब दिया। मैंने उनसे गैर इरादी तौर पर पूछ लिया। बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये सवाल नहीं करना था। उन्होंने मेरी बात का बुरा नहीं मनाया। उन्होंने बताया कि उनकी शादी को 10 वर्ष हो चुके हैं। 10 वर्ष? मैंने चौंकते हुए कहा। आपने उनकी बात का यकीन कर लिया? मुझे न जाने क्यों यकीन नहीं आ रहा। आपको शायद इसलिए यकीन नहीं आ रहा कि वो शादी के 6 वर्ष के बाद 2 बच्चों की माँ बनी। 10 वर्ष कबल उनकी शादी कलकत्ता शहर में बड़ी धूमधाम और ऐसे रवायती अंदाज से हुई थी कि वो आज भी मिसाल बनकर रह गई है। लोग आज भी इस शादी के तस्करे इस तरह से करते हैं जैसे ये कल की बात हो। एक अरब पति ही ऐसी शादी कर सकता है, मैंने कहा। क्या इर्शा सीन ने हनीमून के बारे में बताया था? नम्रिता अपनी कुर्सी पर कसम साई और साड़ी का पल्लू सीने और शाने पर दुरुस्त करते हुए लज्जा कर बोली। उन्होंने जजीरा बाली की तस्वीरें भी दिखाई थी जहाँ वो दोनों हनीमून मनाने गए थे। क्या आपके पास इर्शा सीन का पता मौजूद है? मैंने पूछा। उनका टेलीफोन नंबर वगैरह भी होगा? जी शायद हो। नम्रिता ने सर हिलाकर अपना पर्स खोला, उसमें झांक कर कोई चीज टटोलती हुई बोली, क्या आप उनसे मिलेंगे? इत्तफाक से मुझे एक काम से 2 दिन बाद कलकत्ता जाना है, मैंने कहा। सोचता हूँ उनसे मिल लूँ। जरूर मिले, वो बोली। मैंने उनसे आपके बारे में पूछा था। उन्होंने इतना बताया कि आपने जल्द जॉब छोड़ दी। उसने अपने पर्स में से एक बहुत ही खूबसूरत तारुफी कार्ड निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाया। इत्तफाक से ये अब तक मेरे पास मौजूद है, आप इसे रख लें, मुझे उनका पता याद है, इसकी जरूरत नहीं। मैंने नम्रिता के हाथ से कार्ड लिया। उस कार्ड पर नाम था मिसिज राजकुमारी राय। 3 टेलीफोन नंबर्स के अलावा एक नंबर उसका जाती था। ये नंबर उसने कलम से लिखकर दिया हुआ था। वो ये नंबर शायद खास खास लोगों को देती होगी। मैं उस रात सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। फिर मुझे याद आया कि इर्शा 1 वर्ष की जुदाई के बाद आई तो मिलन की रात मैंने उसका ब्लाउज दूध से भीगा हुआ देखा तो पूछा था कि ये क्या है। उसने बताया कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया था जो चंद घंटे जिंदा रहने के बाद मर गया। नम्रिता ने ये इंकशाफ करके मुझे सोचों की वादी में धकेल दिया था कि इर्शा के 2 बच्चे हैं। उसका मतलब ये था कि मेरा बच्चा जिंदा था। इर्शा ने झूठ बोला था, लेकिन उसने ये झूठ क्यों और किस लिए बोला? दूसरा बच्चा जो है क्या वो मेरा है? आखिर इर्शा ने मेरे साथ क्या खेल खेला? मैं जितना सोचता उतना ही उलझता और चकराता जा रहा था। मुझे इस गुत्थी का कोई ऐसा सिरा नहीं मिल रहा था जिससे मैं सुलझा सकूं। फिर मैं अपने बंगले के टेरेस में आ गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मेरा दिल अंदर से बुझा हुआ, टूटा हुआ और जख्मी था।